नमस्कार, एचएस न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत को लेकर जितने सवाल उठते हैं, उतनी ही बड़ी ताकत उसकी है। क्या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है? क्या वो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देता है? क्या वो सिर्फ हिंदुओं की चिंता करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आरएसएस के शुरू होने से, यानी करीब करीब 100 साल से उन सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन आरएसएस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आरएसएस को उससे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है जो बचपन से आरएसएस की प्रक्रिया, काम का तौर तरीके, चरित्र के साथ बढ़ा हो, आगे बढ़ा हो, जिया हो। ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, सोशल कमेंटेटर सुधांशु मित्तल जी ने हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में आरएसएस को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। मुझे लगता है कि आरएसएस को इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी और बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बेहतर एक टाइटल के साथ बेहतर किताब लिखी। और उससे भी बड़ी हैरानी मुझे होती है कि इतनी कंसाइज किताब जिसमें आरएसएस पे सारे इश्यूज़ की आपने चर्चा इसमें कर दी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना देर क्यों लगी सुधांशु जी? सुधांशु जी तो संघ के साथ बड़े हैं, आगे चले हैं। जी, संस्कार संघ के जो है वो हिंदू समाज के जो संस्कार है जी, उससे निकलते हैं जी। जहाँ पे सेवा एक कर्तव्य है, एक ऋण है समाज का जो आप चुका रहे हैं। और सेवा का कार्य का कभी जिक्र नहीं करा जाता। आप हिंदू परंपरा अगर देखें तो धर्मार्थ और सेवा, उसके विषय में कभी चर्चा ही नहीं होती थी। आदमी अगर जो कार्य समाज के लिए कर रहा है उसका अगर चर्चा करता था तो लोग उसको हीन दृष्टि से देखते थे। तो वही संस्कार जो है संघ के डीएनए का एक हिस्सा है कि हम काम कर रहे हैं, उस काम का प्रचार और प्रसार वो आत्मा से ही नहीं होता। ये तो परिपेक्ष इसलिए बदला, ये जरूरत इसलिए हुई क्योंकि संघ को लेके इतना दुष्प्रचार हुआ है राजनीतिक कारणों से। पॉलिटिकल आज भाजपा को लड़ना है तो संघ को लड़ो जी, और संघ को लड़ो तो संघ सांप्रदायिक है। संघ जो है देश के प्रति चिंतन ना रख के एक बड़ी संकीर्ण सोच का एक संगठन है, और इस तरह की भ्रांतियां एक समाज के सामने रखी गई। तो मुझे लगा कि संघ का जो असली परिचय है वो इस किताब के माध्यम से देना जरूरी था। मैंने इस किताब में जानबूझकर आंकड़े और विस्तृत जानकारियों से इसे नहीं लादा। मैंने परिपेक्ष रखा है जी, मैंने संदर्भ रखा है इसका। आपने पर्सपेक्टिव के साथ साथ क्रिटिकल भी आप हैं, बहुत सारी लोगों को भी आप, जो सुधांशु मित्तल है ना, वो इसमें नजर आते हैं कि उनके तीर जो है जब चलते हैं नहीं। तो वो कई निशानों तक पहुंचते हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी मूल्यांकन करा जाता है जी, तो मैं जो आज हूं उसका मूल्यांकन करूं जी। कांग्रेस का मूल्यांकन अगर 1885 की कांग्रेस से करेंगे तो कहां तक सार्थक है भाई, या आजादी की भूमिका में कांग्रेस की भूमिका को लेके कांग्रेस का आज का मूल्यांकन करा जा सकता है क्या? नहीं करा जा सकता। वो देशभक्त, वो एक जुनूनी राष्ट्रवादी लोग, हाँ। और आज जो अपनी लिप्त हैं अपनी लालसाओं में, वो दोनों के चरित्र में फर्क है। मैं इसलिए कहता हूं कि संघ को आज संघ क्या कर रहा है उसके परिप्रेक्ष्य उसका मूल्यांकन करो जी। लेकिन हर बार जब चीजें आती, लेकिन वो मेरे फायदे का नहीं है ना। हर बार जब चीजें आती हैं तो साहब देखिए, संघ की एक बड़ी शक्ति है जी। बदलाव संघ का एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, एक चरित्र, सबसे चरित्र है और सबसे बड़ी ताकत है उसकी। संघ कभी स्टैटिक हो ही नहीं जी। संघ तो हमेशा बेहतर रहा, फ्लेक्सिबल है, चर्चा आप देखिए बेहतर रहा। अभी जब भागवत साहब, भागवत जी ने उस दिन कहा विज्ञान भवन में, उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ने लिखा, लेकिन उसका परिपेक्ष था
जी संदर्भ था, एक माहौल था, वक्त था। उस समय उस वक्त के देश के अंदर के स्थितियां भिन्न थी और विषय भिन्न थे। संघ में शारीरिक चालू हुई क्योंकि सुरक्षा चाहिए थी, चाहिए थी, इसलिए शुरुआत ही वहां पर शारीरिक से हुई थी। आज नहीं ना, आज का परिपेक्ष अलग हुआ। इसलिए बालाजी देवरस ने क्या करा, उन्होंने संघ को जब 70 के दशक में शारीरिक से ज्यादा बौद्धिक पे और फिर उन्होंने सेवा पर जो अगर आप देखें संघ को सेवा पर जो लेके गए वो पहला साल लेके गए, इसीलिए क्योंकि परिपेक्ष बदल गया। भागवत साहब का भी जो जिक्र किया खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर, तो वो काम तो देवर साहब ने भी कर दिया था, करा था, लेकिन प्रश्न आप समझे नहीं, प्रश्न उठते थे और इसलिए लिखते हैं बंच ऑफ थॉट्स को लेकर। बंच ऑफ थॉट्स के बाद खुद आरएसएस चीफ देवर साहब ने एंट्री की, बल्कि मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बाला साहब देवरस ने काम किया। और जो मुझे याद आता है कि इमरजेंसी के दौरान जब जमात इस्लामी और आरएसएस के लीडर्स एक साथ रहे तो जमात इस्लामी का भी दिमाग खुल गया, फर्क पड़ा। देखिए हमेशा कहते हैं संपर्क और संवाद से एक दूसरे की पहचान होती है। दिक्कत ये है कि पूर्वाग्रह इतने हो गए कि ना संपर्क और ना संवाद, आप जो है एक टाइप कास्टिंग कर देते, स्टीरियोटाइपिंग कर देते और आप उसी में देखना चाहते हैं, तो गलत है। और इसीलिए मुझे लगा कि संघ का जो सही चेहरा है, आई कॉल इट द अननोन फेस ऑफ संघ। संघ के बारे में जब भी होता है तो हाँ अच्छे लोग हैं। देखिए कभी भी आपातकालीन चीज आ जाती है ना तो आप देखेंगे कि पहुंच जाएगा। कोई प्लेन की दुर्घटना हो गई, ट्रेन की दुर्घटना हो गई, भूकंप आ गया तो संघ वाले, अरे भाई हाँ ये तो है, ये सत्य है। लेकिन जो रोज 24/7 365 days जो रोज संघ का कार्य है उसको देखो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे किसी क्षेत्र का हो। आप बनवासी कल्याण आश्रम का कार्य देख लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समर्पण देख देख के आप दिल गदगद हो जाएगा कि हिंदुस्तान की चेतना में अभी भी इतना समर्पण बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए आप, चिकित्सा के क्षेत्र में चले, आप किसी संस्कृति के क्षेत्र में कहीं जाइए, जो संघ का सर्वव्यापी कार्य है उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सर प्रॉब्लम क्यों होती है, कुछ लोग जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं वो है कि संघ का मैं संविधान देख रहा हूँ जो 1949 में बना, आपने बहुत सारी चीज़ों को साफ किया इसमें, तो उसमें सबसे पहली बात लिखी कि भाई हिंदू समाज को यूनाइट करने के लिए किया, तो विजय त्रिवेदी फिर वो 1949 पे अटके रहते हैं कि जब आपका संविधान ही हिंदू समाज को यूनाइट करने का है तो फिर आप मुसलमानों की बात नहीं कर सकते ना, फिर आप नहीं सोचेंगे। हिंदू की परिभाषा संघ ने क्या कहा जी, उसने कहा इस्लामिक हिंदू जी, जो इस मिट्टी को इसकी धरोहर को अपनी मानता होगा वो हिंदू है जी। हमने हिंदू को धर्म से नहीं जोड़ा, हमने कहा यहाँ इस्लामिक हिंदू होता है, यहाँ केशधारी होता है हिंदू, सनातनी हिंदू है, आरंभ समाजी हिंदू है, यहाँ आपने हर धर्म और पंथ के बीच में आपने फर्क डाला जी। तो आपने तो हिंदू उसको कहा जो इस माटी को अपनी माँ माने, उसे क्या गलत कहा? और जो हिंदू, जो आदमी अपनी इस देश की माटी को अपनी माँ मानता हो, अपना मानता हो, उसको संगठित करना, इससे ज्यादा पुण्य काम क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों के प्रति नफरत फैला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा एक चुनौती देता हूँ। देखिए एक और मैं चीज विजय जी कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन उस व्यवस्था की सच्चाई से होना चाहिए, अपवाद से नहीं जी। हर व्यवस्था के अंदर अपवाद होते हैं, आपने उसका जिक्र किया है अपवाद का, लेकिन अपवाद भी कई बार है ना असर डालते हैं, और अपवाद बल्कि मैं समझता हूँ संगठन को या व्यवस्था को परेशानी में डालते हैं। बिल्कुल, जैसे आप जिस तरफ जा रहे हैं वो सवाल है कि भाई लिंचिंग को लेकर बार बार बात हो रही है, कभी वो गौहत्या को लेकर होता है, या अभी भी 2-4-5 घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले कहा भी सबका विश्वास होना चाहिए, सब बात होनी, लेकिन जब वो सड़क पर कोई मारा जाता है, किसी से आप जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवा दे तो भले ही अपवाद हो लेकिन सवाल तो किया जाएगा ना। देखिए बिल्कुल सवाल करिए, लेकिन आप किसी संगठन का मूल्यांकन उस अपवाद से करेंगे या जो उस अपवाद के बारे में संगठन की राय है वो उससे करेंगे? संघ की राय ऐसी चीजों में क्या है, उसकी ये घृणात्मक कार्य है। किसी को आप लिंच कर दें, ये सपोर्टिव नहीं है। संघ की मानस का अंग है ही नहीं। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाओं में आता ही नहीं है ये। और जब इस बात का उल्लेख, विवरण, इस बात का की घोषणा हर स्तर से, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इस लार्जर जिसको हम परिवार कहते हैं, सबकी तरफ से आया है,
तो आप किसकी बात सुनेंगे? आप कहते नहीं प्रधानमंत्री की बात नहीं महत्वपूर्ण है, आप कहते नहीं सर संचालक की बात महत्वपूर्ण है, वो एक कोई एक आदमी ने कुछ कह दिया था वो तो है। जो आदमी अधिकृत नहीं हो, देखिए भाजपा 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य है, संघ है करोड़ों सदस्य, हर सदस्य का आचरण पर्सनल भी है और हर का कथन संघ का कथन नहीं हो सकता। वो व्यक्ति है संगठन में, जो व्यक्ति संगठन की मर्यादाओं के अनुकूल काम नहीं कर रहा उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से बदनामियां होती है, हाँ होती है, लेकिन जो मेरा निवेदन है ये गलत हो रहा है। जब आप अपवाद को लेके व्यवस्था को बदनाम करते हैं तो वहां पे प्रतिक्रिया आती है। जो हिंदू मानस इस वैमनस्य के साथ जीता नहीं है, उसको आप इस वैमनस्य के लिए कटघरे में जब खड़ा करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन उसका होता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को इसमें जिक्र किया है, एक चैप्टर पूरा है संघ को और आज़ादी के आंदोलन को, हालांकि अब उस पर चर्चा आपने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक चैप्टर आपने लिखा कि संघ और आज़ादी में जो संघ की भूमिका है उसको लेकर हमेशा से सवाल हुआ। लोग कहते रहे कि संघ ने तो कभी कुछ किया नहीं, आजकल भी पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा होती है कि आपने तो कभी आज़ादी में हिस्सा लिया नहीं, आपने उसको बहुत साफ। मैंने इसलिए तथ्य बतलाए ना जी, मैंने तथ्य बतलाया, मैंने तो गुरुजी का ही बतलाया, मैंने तो हेडगेवार जी का ही बतलाया। सब लोग सोच क्या थी, सबने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, किसने कहा था जी? शाखाओं में लोगों ने कहा था, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म तब वो था कांग्रेस था तब, और एक लार्जर प्लेटफॉर्म था कांग्रेस, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थोड़ी था, देश की आजादी का प्लेटफॉर्म था। आज वो दुर्भाग्य से एक राजनीतिक संगठन का उसने स्वरूप ले लिया, ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो आपने मुस्लिम लीग पर भी सवाल खड़ा कर, बिल्कुल खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस देश में अजीब सी चुप्पी है, मुस्लिम लीग को रोल को लेकर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने कहा चुप्पी है, उसका मूल्यांकन करिए ना, क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कैसे लोगों ने उसमें समझौते करे, लोगों की कैसे कैसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं ने इस देश को बांट दिया। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये सवाल जो है जो संघ की या बीजेपी की लीडरशिप है वो क्यों नहीं खड़ा करती? मुझे नहीं लगता कि हमें इतिहास में जीतना चाहिए जी। देखिए मैं मानता हूं कि इतिहास आपका अंग है, उसे सबक लिया जाता है, लेकिन जो देश या जो राजनीति या जो संगठन इतिहास में जीतता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो आगे कैसे बढ़ेगा? एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, आपने जम्मू कश्मीर का भी इसमें जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में आरएसएस का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर से कश्मीर के शामिल होने में और ये सब बातों को लेकर। महाराजा हरी सिंह के साथ जो चर्चाएं हुई और जिस तरह उनको समझाया गया उसका एक बहुत अहम भूमिका रही है संघ की उसमें, और ना केवल उसके बाद जब कबायली आ गए और तब से लेकर आज तक अगर उसको हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग रखा गया है तो उसमें संघ की भूमिका जो है अद्वितीय है। लेकिन सर इसमें कन्फ्यूजन है, सॉरी टू से, कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को याद करते हैं कि 1953 में वो परमिट के खिलाफ जाकर और शहादत करते हैं, और फिर आप पीडीपी के साथ दोस्ती करते हैं, सरकार बनाते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत ही अच्छी बात करी। खंडित जनादेश किस राजनीतिक संगठन का उद्देश्य होता है जी? नहीं होता ना, स्पष्ट है। मैं तो पीडीपी के खिलाफ लड़ा जी, हम एनसी के खिलाफ लड़े, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े जी। वहां की जनता ने खंडित जनादेश दिया, ठीक है, हम तो उनकी आस्थाओं के साथ नहीं लड़े जी, उनकी अपनी मर्यादाएं, उनकी आस्थाएं हमारी अपनी आस्थाएं, सबकी अपनी। खंडित जनादेश था, क्या विकल्प थे? दो विकल्प थे, दोबारा चुनाव में जाओ या फिर कोई ऐसा मसौदा तय करो जिसमें कि आस्थाएं आपकी, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम आस्थाओं में तो कॉमन हो नहीं सकते, लेकिन क्या गवर्नेंस के लिए लोगों को एक प्रजातांत्रिक ढांचे में उनको सरकार दे सके, इसके लिए कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, कोशिश करी गई। जहां लगा कि ये सरकार उन मूल्यों पे नहीं चल रही है जो बेसिक हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये तो आपने पहले दिन कहा था कि भाई ये तेल और पानी का मेल है, बेमेल है, तो वो तो नहीं होना था ना, नहीं होना तो था। याद तो ये था कि सुधांशु जी सरकार बनाना चाहते थे, अपनी बहुत बरसों से सपना था कि भाई बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाए। अब उस सपने को पूरा करने के लिए आप किसी भी तरह से कर लेते, अब आज आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो खंडित जनादेश, जैसे सारे राष्ट्र की चिंता बीजेपी को ही है खंडित जनादेश, दोबारा करवा लेते चुनाव। देखिए हमेशा याद रखिए जी, जो स्वप्न था वो तो था देश पे एक बार जो है भगवा ले रहा है जी,
हम जब मैं राजनीति में आया आज से 40 साल पहले, तो कभी सत्ता हमारी होगी ये तो कभी कल्पना ही नहीं थी। ठीक है, हम लोग तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वो जमाना था एक आदर्शवाद का। युवा के लिए कहते थे कि अ मैन हु इज नॉट एन आइडलिस्ट बिफोर 24 इज अ फूल, वन हु इज आफ्टर दैट इज अ ग्रेट फूल। तो हम तो उस जमाने में आए जब आदर्शवाद जो था हर युवा का एक आभूषण हुआ करता था। कहां हम लोग सत्ता के लिए आए थे और स्वप्न क्या था कि देश में एक बार भगवान झंडा फहराना चाहिए। तो हमारा तो वो स्वप्न था, कश्मीर का स्वप्न था कि यहाँ पे सत्ता नहीं चाहिए। आप देखिए, कहना आसान है, जब खंडित जनादेश मिलता है दोबारा चुनाव करवाना आसान नहीं होता है। कोई कि आपने अगर उस समय के सारे अखबार देख लीजिए, सारे बुद्धिजीवी सत्य किसी एक ने कहा क्या कि दोबारा चुनाव। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जब आपने खंडित जनादेश को ये मान लिया, हाँ, तो इसीलिए आपने कोशिश करी। आपने क्या तो फिर आप उसको चलाते, आपने कोशिश करी कि आप कुछ न्यूनतम मान्यताएं जो है उसके ऊपर चला लें। जब उनका भी हनन होने लगा और जब ये असहनीय हो गया तो आपने कहा नहीं चाहिए सत्ता, निकलो। तो ये जब देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन धर्म ये है कि जो जने गठबंधन का अंग है उनको दूसरे की आस्थाएं और मान्यताओं को भी देखना पड़ेगा। अगर मैं अपने आचरण से आपकी आस्थाएं और मान्यताओं का हनन करने वाला हूं तो फिर वो चीजें चलेंगी नहीं। आपने गठबंधन की राजनीति का जिक्र किया, सुधांशु जी ने गठबंधन की राजनीति की जो शुरुआत रही 96 वाली, मुझे याद है प्रमोद जी और आप और वाजपेयी जी ने, वो एक नया चैप्टर लिखा हिंदुस्तान की राजनीति का। लेकिन वो क्या प्रैक्टिकल है? और फिर मुझे कई बार हैरानी होती है कि जब बीजेपी जो गैर बीजेपी दल हैं, विपक्षी दल जिनको आप कहते हैं, वो महागठबंधन बनाते हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी तो हमेशा से सबके साथ चलने वाली पार्टी रही। हमेशा याद रखिएगा, दो अलग अलग विषय होते हैं। एक होता है कि आप चुनाव से पूर्व कौन जुड़ रहा है जी, और एक चुनाव के बाद कौन जुड़ रहा है। चुनाव से पूर्व जब तक एक सामान्य तौर पे मान्यताओं में समरसता नहीं हो, तब तक चुनाव से पूर्व स्वाभाविक गठबंधन नहीं होते। ठीक, चुनाव के बाद तो गठबंधन की मजबूरियां हैं जी। नंबर जनादेश खंडित है तो क्या करोगे जी। और वाकई मैं इसमें जो राजनीति को बदनाम करा जाता है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ जी। कोई राजनीतिक दल कोई खंडित जनादेश मांगता है? कोई भी नहीं मांगता, सब अपना कहता है कि मुझे दीजिए, मैं अपने बहुमत के साथ बनाना चाहता हूँ। अब अगर बहुमत नहीं दें तो क्या करेंगे जी? फिर तभी तो आप विकल्प देखेंगे ना जी। स्वेच्छा से विकल्प देख रहे हैं क्या? स्वेच्छा से तो आप चुनाव से पहले सुधांशु जी विकल्प देखें तो वो गठबंधन की राजनीति है, और जो दूसरे लोग गठबंधन के लिए विकल्प देखें वो मिलावटी है या मौजूदा पॉलिटिकल वो। बहुत अच्छा विजय जी, आपने कहा। विजय जी देखिए, आपको एक चित्र ध्यान आएगा, 17 राजनीतिक दल जो हैं हाथ मिला के गलबैया ले रहे थे कलकत्ता के मंच पे, ठीक है, उनमें से कितनों का गठबंधन हुआ, कितनों का हुआ? वहां तो सब थे, चालू करिए, यूपी में हुआ नहीं हुआ, टूट गया, पंजाब में हुआ नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ नहीं हुआ, राजस्थान में हुआ नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ नहीं हुआ, हिमाचल में हुआ नहीं, पूरे देश में निकाल के देख लीजिए, उड़ीसा में नहीं हुआ, बंगाल में जहाँ की भूमि पे सब खड़े हुए थे, किलकारियां मार रहे थे, वहाँ नहीं हुआ, गठबंधन और एक दूसरे के लट लेकर घूम रहे हो, तो जनता के साथ जनता की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, ये थोड़ी बिक जाएगा। अगर तुम हमें लड़ने के लिए भी इकट्ठा हो रहे हो तो इकट्ठा तो हो, इकट्ठा है नहीं, और गठबंधन की बात, महागठबंधन की बात कर रहे, ये कैसे चलेगा? मतलब इससे ज्यादा कुतर्क और क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं लेकिन जहां हमारी अस्तित्व है वहां हमारा कुछ नहीं। जनता ने भी उसको नकार दिया, इसीलिए नकार दिया। सी, यू कैन बिफूल ऑल द पीपल सम टाइम, सम पीपल ऑल द टाइम, नॉट ऑल द पीपल।
ये जो राजनीति में लोगों के अंदर आ गया है ना कि वो सोचते हैं कि कुछ भी बेच देंगे, अब वो नहीं बिकता। बड़ी अच्छी एक कहावत थी, मत पूछे मुझसे मैं क्या बेचता हूँ, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। साहब ठीक है, एक आध बार आईना बेच दिया, हर नेत्रहीन को आईना नहीं बेच पाओगे भाई। नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन आपकी स्लेट इतनी क्लीन भी नहीं है ना। आप 2015 में DNA पूछते हैं पटना में जाकर, 2017 में उनके साथ चले जाते हैं, 18 में करते हैं ना आप गठबंधन बनाते हैं। आपने अच्छा कहा, कुछ चीजों से लोगों के उस समय तो जरूरत नहीं थी, नहीं, उस समय तो चल रहा था काम। कुछ चीजों पे लोग विचलित होते हैं जी, वैचारिक स्तर पर विचलित होते हैं, लेकिन वहीं पे जो राजनीतिक परिदृश्य है उस दृश्य को देखते हुए उस समय की मांग और नजाकत दोनों में को ध्यान में रखते हुए एक आपको एक वास्तविकता को देखते हुए प्रैक्टिकल एक निर्णय लेना पड़ता है। वैचारिक तौर पे वो चीज़ आपको हमेशा तंग करती है। अच्छा। उसमें कोई कहे कि वैचारिक तौर पे आप उसमें कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल है वो नहीं होता। खैर, अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसमें चैप्टर में भी जिक्र किया, BJP और संघ का जो एजेंडा भी रहा जम्मू कश्मीर हमेशा से, आज जब नए होम मिनिस्टर वहाँ पर हैं, क्या आपको लगता है कि कोई नया रास्ता दिखेगा? क्या हम वाजपेयी जी के रास्ते पे चलेंगे? क्या हम कश्मीर के पंडितों की वापस, खासतौर से दो सवाल महत्वपूर्ण हैं, मैं वाजपेयी जी वाला छोड़ देता हूँ, फिर वही आप इतिहास की बात करें, कश्मीर के पंडित तो आज की ज़रूरत है, उनकी वापसी हम कर सकते हैं इस सरकार में? दूसरा सवाल, क्या 35A और 370 को लेकर ये सरकार कुछ फैसला कर सकती है? देखिए, पहले तो मैं आज तक एक प्रश्न का जवाब ही नहीं कि ये जितने सो कॉल्ड कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, व्हाट इज देयर केस? उनका केस क्या है? कहते सेल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए या कश्मीरियों को आज़ादी चुनने की आज़ादी। हाँ भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कुछ सत्य और कुछ तथ्य दोनों जानबूझ के सामने आते ही नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने करा, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद UN रेजोल्यूशन हो गया 1950 में, हो गया ना जी, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा साहब सेल्फ डिटरमिनेशन। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं बात करता है, 1956 में कश्मीरियों ने, चुनी हुई असेंबली ने कश्मीर का एक संविधान दिया जी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो संविधान क्या कहता है जी? वो संविधान सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए आप, वो संविधान कहता है कि हम लोग जो हैं प्रियम्बल कहता है कि हम लोग ने अपने आप को एक संविधान दे रहे हैं जिससे कि अपने रिश्ते भारत से मजबूत कर सकें, जिसका कि हम अभिन्न अंग हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनेक्टेड बाय द कश्मीरीज, इन विच द सिग्नेटरी वाज अ शेख अब्दुल्ला, ऑल द लीडर्स ऑफ द सेपरेटिस्ट, इनके बाप दादा और इनके मेंटर्स जो हैं वो उसके सिग्नेटरी हैं, वो कहते वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर। अच्छा, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था, ये विल ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर ही तो थी क्या? व्हाट इज द विल ऑफ पीपल? दैट अ बंच ऑफ पीपल होल्डिंग गन्स विल से आजादी होनी चाहिए कश्मीर की? अरे, जनता ने तो अपने आप को संविधान दिया, कश्मीर की चुनी हुई जनता ने। जनता तो बार बार ये तय कर रही है, तो कोई बात नहीं, जनता बार बार चुनकर एक सरकार दे रही है। इसीलिए मैं जो दो तीन चीजें देखता हूँ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, एक तो आतंकवाद जी में ढिलाई नहीं जी उस लड़ाई में, ये आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी और ये आगे स्पष्ट ही है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देखिए, 370 भी जो था वो टेम्परेरी प्रोविजन था जी, वो कोई संविधान का परमानेंट प्रोविजन थोड़ी था जी। तो ये सारे विषय जो हैं, अब इन विषयों पे चर्चाएं होंगी। कांग्रेस सवाल सुधांशु जी से करूं या नहीं करूं, ये कि धारा 370 आप हटाएंगे या नहीं? देखिए, मैं सरकार नहीं हूँ, मैंने इसलिए चर्चा, नई सरकार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है, इसीलिए मैंने कहा। आपका कोर एजेंडा है धारा 370? हमारा 370 भी है, हमारा 35A भी है, और हम कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं और यही आगे होगा। अब सरकार किस समय क्या फैसला लेगी, क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ,
होम मिनिस्ट्री में शख्सियत बदलने का मतलब यह है? आपने देखा होगा ये विषय शख्सियत से नहीं जुड़ा हुआ है, ये समय से जुड़ा हुआ है। 370 और 35 ए को लेके पिछले एक साल से कश्मीर में इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है, और आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट में ये विषय 35 ए का तो खास तौर से चल रहा है, आखिरी चरम पे है जिसका फैसले का इंतजार है। तो ये एक लगातार एक चलता हुआ प्रोसेस है, ये कोई शख्सियत से। लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अमित भाई की जो शख्सियत है उसमें कुछ चीज़ों में उनका रवैया एक प्रोएक्टिव और एक बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इसका कोई नतीजा आप नए रास्ते पर हम चलते दिख रहे हैं कश्मीर को लेकर? एक अपनी उनकी एक वो है सोच है, क्योंकि है बिल्कुल, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी है। जो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक लगातार मान्यताओं का अंग रहा है, मौका मिला उस चीज को आगे लेके आए और वही लॉजिकली आगे पहुंच जाएगा। मतलब हम धारा 370 को हटाने की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं? जैसे कहते हैं इंशाल्लाह। कश्मीरी पंडितों की वापसी पर भी कुछ? कश्मीरी पंडितों में देखिए, क्योंकि आपने भी बहुत सपोर्ट किया है, ना केवल प्रावधान होंगे उनके वापसी के, ये उनकी स्वेच्छा पे भी निर्भर करेगा। आज कहना आसान होता है, एक बार विस्थापित हो चुके और जिन विस्थापितों ने अपने आप को दोबारा स्थापित करा है उनको वापस जाना शायद बहुत सहूलियत ना हो। हाँ, जो जाना चाहता हो उसके वापस जाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी, ऐसा मेरी अपनी मान्यता है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपने इसमें और किया है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर भी एक बड़ा कोर एजेंडा है। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने जहाँ से चैप्टर शुरू किया वो किया है वेटिकन के चर्चेज को लेकर, कि वहाँ पर मॉस्क्स बन गई चर्चेज को हटा के और फिर मॉस्क से चर्चेज बनाए गए, चर्च बनाए गए, तो हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें देखिए आपने कही, मैं तो आपने याद जो दिलाई वो बता रहा हूँ। राम जन्मभूमि का मसौदा तो इतना ही आश्चर्यजनक मसौदा मैं समझ ही नहीं पाया आज तक। कहते टाइटल सूट है, टाइटल प्रीवी काउंसिल का फैसला है कि राइट टू रिलीजन इज अ बिगर राइट देन राइट टू प्रॉपर्टी। होगा टाइटल होगा, रिलीजियस मेरी बिलीफ का वो केंद्र है एंड दैट्स अ बिगर दिस थिंग। ये ऑलरेडी जो प्रीवी काउंसिल है हमारी, जो जुरिस्प्रूडेंस है वो प्रीवी काउंसिल का है। और ये गुरुद्वारे को लेके, लाहौर के गुरुद्वारे को लेके ये स्थापित कानून है कि राइट टू रिलीजन इज अ बिगर राइट देन राइट टू प्रॉपर्टी। व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडिंग टाइटल? मैं आपको एक और विषय बताता हूं। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखा हो, बड़ा मजेदार जजमेंट है। वो कहता है साहब इसके तीन हिस्से कर दिए, ठीक विजय जी। पहला हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, नहीं पहला हिस्सा रामलला को राम जन्मभूमि न्यास के मार्फत, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को, तीसरा हिस्सा किसको दिया आप बताओ? सारे मुसलमानों को दिया। तो टाइटल में मुसलमान नाम की चीज नहीं होती है, जो कंटेस्टिंग पार्टी होगी उसको दोगे। तो आप कहोगे या तो भाई मैंने शिया वक्त बोर्ड को दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया, सुन्नी वक्त बोर्ड को दिया, किसी को दिया? सोसाइटी को दोगे या व्यक्ति को दोगे? मुस्लिम पक्ष को थोड़ी दे दोगे, जानते हो वो निर्णय क्या है? वो निर्णय ये मुस्लिम पक्ष को हमने दिया। अरे भाई मुस्लिम पक्ष को दिया, लेकिन अब हम उससे थोड़ा क्यों नहीं कह पाए? नहीं नहीं, अब इसका एक बड़ी मजेदार चीज समझिए, वो क्यों नहीं कह पाए कि हमने किसको दिया? सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है ये उनकी जगह नहीं है, ये 1990 के अंदर ऑलरेडी सेटल्ड है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये तथ्य सामने नहीं आते हैं। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो इनका नोटिफिकेशन था यूपी वक्फ बोर्ड के तहत, उस नोटिफिकेशन 44 वाला, उसको खारिज करके खत्म कर दिया। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तो है नहीं, शिया वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं है, तो उसको कैसे पार्टी नहीं है उसमें, तो उसको कैसे दे? शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, वो पार्टी नहीं है, उसको कैसे दे दें? और जो पार्टी है उसको दे नहीं सकते, तो क्या कह दिया? मुस्लिम पक्ष को दे दो। मुझे लगता है न्याय पक्ष में अब जब आप इसको तोले तो इसमें न्याय कभी पक्ष
दूसरे समाज के साथ जा ही नहीं सकता। और ये अच्छा रहेगा कि मुस्लिम समाज को ये महसूस करते हुए कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं के प्रश्न से जो चीज जुड़ी हुई है और जहाँ न्याय पक्ष उनके साथ नहीं है, वहाँ पे उनको खुद बढ़ के जो है भाईचारे का संदेश देना चाहिए। लेकिन जो अभी बात हुई है कि मीडिएशन पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थ, आपको लगता है कि उससे कोई रास्ता निकलने वाला है? नहीं निकलेगा। तो मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा नहीं, अदालत फैसला करेगी नहीं। करने दीजिए मुझे, मैंने आपको जो तथ्य बताए उसके हिसाब से कैसे नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। मध्यस्थता क्या है कि लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिन्होंने धार्मिक राजनीति करके रोटियां सेक रखी है। इस देश की राजनीति ने तो आज तक हिंदू के खौफ को दिखा के मुसलमानों के वोट लिए ना, वो इस मध्यस्थता को कैसे स्वीकारने वाले होंगे? कभी होगा ही नहीं। यहाँ पे एक इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगा हुआ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बनता रहे और हमारे पास एक सर्टेन वोट परसेंटेज हमारी जेब में बनी रहे। नहीं तो क्या रास्ता आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात अब रही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ से आगे निकाल दिया है। आपकी सरकार इस पर कुछ करती दिख नहीं रही है। मुझे लगता है एक बार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो भी देगी उसके बाद इसमें और जो बाकी वैकल्पिक कदम है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें मामला है, तब तक वैकल्पिक कदम उठाना शायद न्यायसंगत नहीं रहता है। लेकिन ये मामला तो लॉजिकल एंड तक जाने वाला है। लेकिन सर ऐसा होता है ना कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप विजय त्रिवेदी से कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, भरोसा दिलाते हैं, फिर कहते हैं कि उसके लिए ज़रूरी होगा तो हम कानून भी बना देंगे संसद में लाकर, ठीक है, या फिर कुछ और करके आपसी सहमति से कर देंगे, तो हम सुधांशु जी को वोट दे देते क्योंकि मेरे को राम मंदिर बनवाना है, चाहता हूँ मैं कि भाई सुधांशु जी जो है संसद में जब आएंगे, मेजोरिटी आएगी तो कानून बनवा के पास कर देंगे। और जब चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं आप सुधांशु जी, तो फिर कहते नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, विजय त्रिवेदी को कितने दिन तक ठगेंगे? विजय जी, राम मंदिर के नाम पर चुनाव कब लड़ा गया? हर बार 1989 से पालमपुर के उसके रेजोल्यूशन के बाद से। मेरी बात जी सुन लेना, मैं जान पूछ के आप क्योंकि सारे से जुड़े रहे हैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछा है मैंने आपको। 1996 के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था? 98 में क्या था? 99 में क्या था? 2004 में क्या था? 2009 में क्या था? 2014 में क्या था? 2019 वाला जो है क्या था? इसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, माफ करिएगा। हमने अपनी आस्थाओं की अभिव्यक्ति करी, हमारी आस्था हमारा मान्यता है कि वहाँ पे बनना चाहिए, और इसके तीन ही तरीके हैं, या कानून से बनेगा, या आपसी रजामंदी से बनेगा, या फिर संसद से कानून पास करने से बनेगा। कानून पास संसद से कानून पास करा सकते हैं। एक और भी आ गया था, संसद की कानून पास करने की प्रक्रिया में आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बहुमत चाहिए होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो दो तिहाई चाहिए होता है। ठीक है, पिछली बार भी नहीं था, आज भी राज्यसभा तो मतलब 2020 में बनवाएंगे आप? नहीं, 2020 में राज्यसभा में बहुमत होगा बीजेपी का? राज्यसभा में भी नहीं, समझ लीजिए ना जी। तो बहुत से राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जो वैसे भाजपा के साथ एनडीए का अंग है, लेकिन इस विषय में उनके मत भिन्नता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार भिन्नता तो तीन तलाक पर थे आपने, लेकिन कर दिया काम। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अभी लग रहा है, जो मैं इतना समझता हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया उसके बाद चालू होगी। तो एक बार चैप्टर ये बंद हो जाए तो फिर देखिए आगे क्या होता है। सर एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर बहुत सवाल होते हैं, क्योंकि मैंने उस सवाल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं आरएसएस को जानता हूं कि उसके बहुत सारे सेवा प्रकल्प और बहुत सारे काम हो रहे हैं, बीजेपी उसका एक हिस्सा है, पॉलिटिकल जो विंग है। लेकिन आरएसएस बीजेपी रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से कुछ ना कुछ चर्चा होती रही, और ये फॉर्मली आप मत कहिएगा कि आरएसएस जो है दिशा निर्देश देता, क्योंकि बहुत सारे किस्से मुझसे कम से कम 100 किस्से ज़्यादा आप जानते हैं कि जब आरएसएस ने दखल दिया बीजेपी के कामकाज में। आज की स्थिति क्या है? विजय जी, आपने तो संघ को और भाजपा को बहुत करीब से देखा। सर आपसे ज़्यादा नहीं देखा, आपने तो जिया है। मैं जैसे जनसंघ और भाजपा के संघ से संबंधों में एक मूलभूत फर्क है। जनसंघ जो था, संघ का एक प्रकल्प था जी, राजनीतिक प्रकल्प था, भाजपा वो नहीं है। भाजपा में माँ बेटे का रिश्ता है लेकिन प्रकल्प नहीं है भाजपा।
तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जनसंघ का, वो संघ से द्वारा होता था। यहाँ पे एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हो, यहाँ पे परामर्श, सहयोग और सानिध्य और मार्गदर्शन, ये सारा संघ का मिलता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था बहुत सालों से बनी होती है। समय के हिसाब से कई बार कभी वो उसमें तेजी रहती है, समय की पुकार में कई बार। आप ये तो नहीं करें, मतलब मुझे समझ नहीं आई बात कि संघ की पकड़ कमजोर हुई है बीजेपी पर, क्योंकि अब बीजेपी खुद बड़ी ताकतवर पार्टी हो गई। ये पकड़ कमजोर होना किसको कहते हैं मैं तो नहीं जानता, क्योंकि जो परामर्शदाता या जो नैतिकता का मार्गदर्शन और देशहित हमें सिखाते हैं, उनकी पकड़ हमारे हृदय पे कम हो जाएगी, ये मुझे थोड़ा अजीब। क्योंकि सबसे ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि संघ आजकल गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नागपुर से हॉटलाइन चल रही है कि नहीं चल रही है। जो जो व्यवस्थाएं पहले थी वही व्यवस्थाएं हैं, देखने वाले के चश्मे बदल जाते हैं, राजनीतिक स्थितियां देखते हुए कभी उस पर ध्यान ज्यादा आकर्षित हो जाता है, कभी कम होता है। आप देखिए 2004 से पहले संघ संघ होता था, 4 से 14 तक के बीच में संघ की पृष्ठभूमि खत्म हो गई, अब 14 से दोबारा संघ आ गया। जब भी सरकार, इसीलिए बड़ी लिखी है, इसलिए ज्यादा जरूरत है कि जब भी सरकार होती है, ताकत होती है बीजेपी की, तो संघ को गालियां देने के थोड़ा सा मौके ज्यादा बढ़ जाते हैं लोगों के। इसीलिए वो सॉफ्ट बेली मानते हैं, जबकि ये नहीं पता कि संघ सबसे बड़ी शक्ति है और नैतिक बल इतना है संघ में कि उसको तो तुम कभी कुछ कह ही नहीं सकते। पंचिंग बैग जो आपने लिखा, पंचिंग बैग बस। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं इसके लिए बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। और मैं समझता हूँ कि जो RSS को बहुत शार्प तरीके से, मतलब साफ साफ तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब बहुत काम की हो सकती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया, और आपको बहुत बधाई। मैं आपके लिए आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि आप तो संघ के हर पल को समझते हो, जिए है, लेकिन ये हम जैसे लोगों के समझने के लिए है कि संघ को कुछ समझ पाए। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।